is from Florida. तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? सभी का स्वागत है अपने पबजी मोबाइल की वीडियो में। और आज की वीडियो में बात करने वाला है कि कैसे पहुंच सकते हैं एस, और मैं अपने जर्नी बताऊंगा ऊपर ए टू जेड कि मैंने क्या क्या स्टेप्स किए एस आने में। तो सबसे पहले दिखा देता हूं, मैं एस में पहुंच चुका हूं। नहीं देखो एस, बस वो कुछ नहीं। और ये पैरा शुरू के लिए मुझे 3 मैच खेलना पड़ेगा, वो तो बात अलग है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं एस में पहली बार पहुँचा नहीं, मतलब इसकी पहली बार ही, मतलब इसका जो पिछला सीज़न था उसमें मैंने पहले बार पहुंचा था इसमें। पैर ओवर में देख सकते हैं यहाँ पे सीज़न 13, ये देखो यही पहला एज है, जबकि मैं 2 साल से खेल चुका हूँ। 2017 में खेलना स्टार्ट किया था मैंने, और 2 साल से पहली बार एज पहुँचा हूँ। इससे पहले आप देख सकते हैं कभी एज पहुँचा ही नहीं मैंने। सीज़न 2 से खेल रहा हूँ मैं, सिल्वर 3। ये देखो एज का है करंट सीज़न में, और केडी 1.83, और हम ब्रैकेट में साइड में 2.01 लिखा है। पिछले सीज़न में भी केडी अच्छी थी क्या? रुक जा भाई, पिछले सीज़न में भी केडी अच्छी थी, लेकिन मैचेस प्लेड बहुत कम है, 96 है। और इस बार कितना मैचेस प्लेड सीज़न 101, लेकिन मैं खेल चुका हूँ 2 मैच एक्स्ट्रा। ये देखो नीचे, ये जो लास्ट मैच है क्राउन 1 का, उसके बाद जो मैच खेला ये सीधा पहुंचा दिया मुझे एस पे 15+ करके। कुछ केले नहीं मिला, लेकिन एस में पहुंचने के बाद देखो 5 किल। ये सारे बॉट नहीं है, सब रियल प्लेयर्स है। बॉट आए थे गेम के अंदर, लेकिन उस समय 2 लोग ने मार लिया था। ये देखो, ये 3 नंबर ने मारा था 400 डैमेज दे के 2 बॉट को, और एनिमी को कुछ डैमेज दिया था बस। ये तो बॉट खेलता, मैंने बॉट पे तो मारा नहीं, बॉट को मारने का मौका दिया नहीं, लोगों ने खुद ही किल दे लिया सारे। मुझे तो असली बंदे को डैमेज देना पड़ा और मारना पड़ा बस। जीतने की बात करें, जीतना तो थोड़ा मुश्किल ही है। टॉप 3, 5, 7, 2 तक पहुंचा था, लेकिन फर्स्ट तो मुश्किल है, फर्स्ट आ नहीं पाया। अरे लेकिन अगर पिछले सीजन बात करूँ तो पिछले सीजन क्या करता था मैं, तो बस गाड़ी में बस बैठा रहता था। जोन में ले जाऊँगा, छोड़ दूँगा गाड़ी को, ऐसे लेटा पड़ा रहूँगा साइड में, मतलब जोन के कॉर्नर से कॉर्नर था। लेकिन इस सीज़न में मैंने वो नहीं किया, इस सीज़न में रश करने का ट्राई किया मैंने। और कितने किल्स लिए मैंने, 185 किल्स। पता नहीं क्यों, सब देखा जाए तो पिछले सीज़न बेहतर लग रहा है, लेकिन इस सीज़न में मैंने रश करने का बहुत ट्राई किया था। इस बार तो इस डैमेज में किसका मामला अच्छा है पता नहीं, पिछला सीज़न बहुत अच्छा गया, लेकिन इस सीज़न में मैंने बहुत रश करने का ट्राई किया था। मैंने इतना सर्वाइव करने का ट्राई नहीं किया, मैंने बस रश करने पे सोचा। पहले मेरा लोकेशन तो स्टाइल बार था, इस बार हमेशा स्टाइल बार जाएंगे, अगर लोकेशन फ्लाइट वहाँ से जाएंगे तो स्टाइल बार में उतरेंगे, लूटेंगे M4 M4 से जो मिलता है ले लेंगे, और वहाँ से अगर गाड़ी स्पॉन हुई तो लेके जाएंगे, नहीं तो चलना पड़ेगा बहुत दूर तक। एस नेपोलियन से ले लेंगे गाड़ी, नहीं तो थोड़ा बहुत चलेंगे जोन में जाके भी, फिर जाएंगे ये सीधा जाएंगे बंदे को मारने, रश करने जाएंगे हम, ढूंढते रहेंगे बंदे, मिलेंगे तो मारने का ट्राई करेंगे, थर्ड पार्टी करने की ट्राई करते हैं। और मैं तो ड्राइवर हूँ हमेशा गाड़ी का, तो गाड़ी चलाता रहता मैं ही हूँ, डैमेज तो मुझे कुछ कम ही मिलता है अगर बाई चांस नॉक हो तो गाड़ी से कोई, ना तो मेरे टीम मेट से खेल लेते हैं, अगर कभी कभार नॉक हो जाते तो उतर के मारना पड़ता है, उसी चक्कर में कभी कभार आउट हो जाता हूँ मैं बहुत बार। देखो यार, तो मैं इसमें सिर्फ 2 ही राउंड खेला हूँ, 1 राउंड में 5 किल जो उसके जैसे इसमें पहुंचा था, उसके बाद तो 0 किल, पता नहीं किल नहीं मिला मुझे, लेकिन डैमेज दिया 61। फिर बहुत बड़ी बात है इसमें पूछना, आजकल ऐसे पता नहीं बॉट आते रहते हैं, और आजकल वैसे भी सारे बंदे बहुत कम हो गए खेलने वाले, तब जो है तो फर्स्ट जोन छोटा होने से पहले ही 70-60 बंदे तो ख़त्म हो जाते हैं, 30 बचते हैं बस, इतना बड़ा सर्कल रहता है। गाड़ी लेके ढूंढो कहाँ छुपे रहते, क्या मालूम सब रश कर रहे हैं इसमें, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता, फिर भी ढूंढ के मारने में होता है दिक्कत। फिर भी इसमें पहुंचना बहुत इजी है, और अगर आपको पहुंचना है तो आपको सिर्फ सिंपल स्टेप्स कीजिए जो मैं बताने वाला हूँ। स्टेप नंबर 1, ज़्यादा डरिएगा नहीं, जाइए एक जगह पे, थोड़ा दूर जाइए जहाँ पे बंदे ना उतरे, वहाँ से लूट कीजिए मस्त, जो भी आपको सामान पसंद है M4 M4 जो भी मिला है ट्राई, कोशिश कीजिए अच्छा लूट रखने के लिए, बैंडेज वैंडेज। मैं तो कहता हूँ 5 हीलिंग, 5-6 स्मोक्स, 2-3 ग्रेनेड काफ़ी है, ये सब लेके जाइए। बैग कम से कम 2 तो होगा तो अच्छा रहेगा, हेलमेट वैसे दोनों लेवल 2 के अच्छा है,
मैं तो 3 अच्छा है, लेकिन मिलेगा नहीं तो 2 काफ़ी है, लेवल 2 काफ़ी है। फिर स्टेप नंबर 2 ये क्या है, अगर आपको लूट हो गया कंप्लीट तो सीधा जाइए रश करने बंदों को गाड़ी, नहीं तो कैसे ढूंढते रह सकते, अगर गाड़ी नहीं मिला तो गाड़ी ढूंढे। मैं तो कहता हूँ गाड़ी रखें हमेशा अपने साथ में, क्योंकि लास्ट जोन में गाड़ी से कवर मस्त बनता है अगर जोन ओपन में है तो, नहीं तो काफ़ी है गाड़ी का कुछ काम नहीं है, लेकिन गाड़ी से मस्त कवर बना सकते हैं आप। और ख़ास करके यूएस लेना, डीएसए का कवर नहीं बनेगा, बग्गी तो काम का ही नहीं है, बाइक तो कुछ बोल ही नहीं सकते बाइक का तो। और अब नेक्स्ट स्टेप ये है, अब ट्राई कीजिए अच्छे से अच्छे डैमेज देने के लिए, किल लेने के लिए, और अपना बूस्ट पूरा फुल रखें। थोड़ा सा भी अगर हेल्थ कम हो गया तो पूरा बूस्ट फुल रखें, क्योंकि लास्ट में थोड़ा सा एचपी आपको बचा सकता है, एक इससे भी बचा सकता है आपको। और अगला स्टेप ये है कि अपने टीममेट साथ रहना, कभी टीममेट को छोड़ना मत अकेले, क्योंकि अगर टीममेट नहीं होगा तो आप अकेले अकेले थोड़ा मुश्किल है। आप क्या करना, अगर आप अच्छे प्लेयर नहीं हो तो आप आगे जाना और अपने टीममेट को बोलना पीछे से थोड़ा मदद करने के लिए, मतलब अगर आप अंदर जा रहे हो किसी घर में रश कर रहे हो, एनिमी ने आपको मारा तो आपको टीममेट को बोले पीछे से प्रीफायर करते हुए आने बोले, ताकि क्या होगा अगर आप नॉक हो गए तो आप उसका आपका दोस्त जो है वो टीम एनिमी को नॉक कर सकता है इसके लिए। और अगर आप अच्छे मारते हैं, आपके साथ थोड़ा ऐसा कोई प्लेयर खेल रहा है जिसको थोड़ा खेलना आता नहीं है, तो उसको पहले आगे भेजिए, तो क्या होगा उसको पहले सब मारेंगे तो आप उनको मारिए। लेकिन मेरे साथ क्या होता है, मैं अच्छा मारता हूँ लेकिन बाकी जो मारते नहीं हो तो पीछे पीछे रहते हैं, मैं आगे जाता हूँ मुझे सब ख़त्म कर देती है, पीछे वाले बंदे आराम से बैठे रहते हैं सर्व करते रहते हैं, सोचेंगे क्या करे अभी आगे। वही तो बहुत अच्छा वाला स्कोर ये था चाहर का, सेम प्रोफाइल। हाँ तो बस, और अपना हीलिंग का ध्यान रखना, क्योंकि बूस्ट बहुत ज़रूरी है, पूरा सिरिंज विरिंज या फिर पेन किलर एनर्जी ड्रिंक जो मिलता है सब बूस्ट फुल कीजिए, फिर रश करने जाइए। सोचिएगा नहीं कि थोड़ा सा ये तो क्या बूस्ट करूँ, बूस्ट बहुत ज़रूरी है, स्पीड भी रहता है बहुत, ये रहता है। मैं तो कहता हूँ क्लोज रेंज में आप यूजी प्रीफर, यूजी रखें, मैं तो ये प्रीफर करता हूँ, यूजी ने मुझे बहुत ज़्यादा जान बचाइए, क्योंकि यूजी का फायर रेट अच्छा है क्लोज रेंज में ओवर M4। मेरा तो बस ये दो ही गन फेवरेट है, एक एम का डैमेज अच्छा लेकिन उसका फायरिंग थोड़ा कम है, रेट ऑफ फायर तो थोड़ा स्लो स्लो मारता है, और क्लोज रेंज में मेरा हैंग मारता है तो उतना कुछ खास बचा नहीं पाता है। और आप ट्राई कीजिए हेड शॉट पर एम रखने के लिए, मतलब हेड पर एम रखने ट्राई कीजिए, बॉडी पे डैमेज हो गया तो बहुत कम डैमेज मिलेगा। अपना जो एडीएस है ना, जैसे ऊपर स्क्रो करते ना तो ऊपर ही लेते रहिए, ऊपर की तरफ, ज़्यादा नीचे नहीं कीजिए, और ऊपर ऊपर लेकर रखिए, हेड पे एम रखिए, जिससे क्या होगा डैमेज ज़्यादा देगा हेड पे, और आपको चांस ज़्यादा है कि बच जाएंगे एनिमी से, नहीं तो एनिमी आपको मार देगा। और ज़्यादा ट्राई कीजिए कि अब एक जगह पे खड़े ना रहे, थोड़ा मूव करते रहिए अगर स्पेशली कैंपिंग कर रहे हो तो, क्योंकि हेडशॉट मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं AWM वाले बंदे से। मुझे भी बहुत बार ऐसे हुआ है कभी कभार घर में थोड़ा सा भी हिलते रहेंगे फिर भी एम लग जाता है, तो आप हिलते रहिए ऐसे स्टेडी ना रहे जैसे करके, मतलब अटेंशन ना खड़े रहे करके, और कवर थोड़ा सही से रहना लास्ट जोन में खास करके। और आप इतना ट्राई कीजिए कम से कम आप टॉप 10-5 के अंदर आने का ट्राई करिए लेना, ये देखो टॉप 10-5, अगर आप 2-3 पाएंगे तो अच्छी बात है। और चिकन लेने ट्राई करना ज़्यादा, लेकिन मैं से धोआ नहीं, कितना लिया इस बार मैंने विंस 14 ही क्या, पता नहीं क्यों पिछले दिन बेहतर लग रहा है। मैंने तो एग्जैक्ट 99 मैचेस प्ले करने पे ये हासिल किया मैंने ये एस का, बाकी 100 और 101 तो दो मैचेस खेला है उसका तो माइनस करना पड़ेगा, तो एग्जैक्ट 99 मैचेस में मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था अपना जर्नी, शायद प्लैटिनम, प्लैटिनम ही था, प्लैटिनम की डायमंड, प्लैटिनम पता नहीं कितना माइनस होता है, प्लैटिनम डायमंड क्राउन एस प्लैटिनम, शायद तक प्लैटिनम से मैंने स्टार्ट किया अपना जर्नी को, अभी तक मालूम नहीं। अगले सीजन में देखते हैं जब माइनस होता है, नहीं तब पुराने वीडियो देख सकते हैं कि जब ये सीजन स्टार्ट हुआ था तब कहाँ से हमें कहाँ पे आया वो देख लेना। और सिर्फ 99 मैचेस में मैंने प्लैटिनम में डायमंड से क्राउन पार करके एस में आया हूँ, वो भी कुछ 100 किल 200 किल के आसपास, केडी भी कुछ ठीक ठाक 2 KD का। मुझे तो हमेशा जोन भागना पड़ता है, इसका थोड़ा प्रॉब्लम है बस यही है, गाड़ी नहीं मिलता है तो टीममेट का भी थोड़ा धोखा दे देते हैं, जितना तो बहुत मुश्किल है। अब ये स्टेप्स फॉलो कीजिए, टेंशन मत लीजिए रैंक के बारे में, माइनस होने वाला है, रैंक तो आते आते रहते हैं, कभी कभार कम कभी ज़्यादा माइनस, बस इतना ट्राई करिए माइनस ज़्यादा ना होने दें, कम से कम अगर आप अलाइव देखते रहेंगे तो कम से कम टॉप 20 के चलना, जब अलाइव 20 बंदे होंगे तब तक आपको थोड़ा तो प्लस हो जाएगा। और ट्राई करें डैमेज देने के लिए, किल लेने के लिए, और अपना हेल्थ बढ़ाने के लिए, ठीक है, हेल्थ बढ़ाने का पॉइंट रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि जोन के बाहर बैठे रहो लेटे रहो और पूरे मेडिकिट्स वहाँ पे वेस्ट करो, ऐसा मत करो, ऐसे मैं पहले करता था पिछले सीजन में, इस सीजन में मैंने ऐसे बिल्कुल कुछ नहीं किया,
कुछ बताएगा क्या? ये देखो एवरेज हील 105 मेरा ये एवरेज हील है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जोन के बाहर लेट के किया था। पिछले सीजन में मैंने जोन के बाहर लेट के किया था तो फिर भी पता नहीं कम क्यों है। और रिवाइव 46 के मतलब विन रेशो 13% है। टॉप 10 85 1982 जो टॉप 10 का रेशो थोड़ा बढ़ गया, विन रेशो थोड़ा कम पड़ गया, लेकिन उससे कुछ बात नहीं है। लेकिन अभी बस ये सिंपल से स्टेप्स थे जिसे फॉलो करके मैं खुद भी आ गया हूँ बेस में, और आप भी इसमें आ सकते हैं बहुत इजीली। तो मुझे अभी तो बस 3 मैच खेलने हैं और पैराशूट लेने हैं, आज ले लूँगा बाद में मैं, और उसको मैं इंस्टाग्राम में अपलोड कर दूँगा फ़ोटो को जब भी मिल जाएगा पैराशूट। तो इंस्टाग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कीजिए। अभी पोस्ट डालते रहूँगा कुछ भी मैं, और अभी कॉन्करर ट्राई नहीं करूँगा मैं अभी, अभी तो बस ये ट्राई करूँगा कि जो ये सोलो डुओ में गोल्ड है उसको प्लैटिनम पहुँचा दूँ, सीजन ट्रैक टॉप 10% के अंदर लेके आओ। रेगुलर मेरा बस यही गोल्ड रहेगा, कम से कम ये परसेंटेज हटा के एक रैंक में आ जाओ अगले सीजन में। बर्दाश्त करना पड़ेगा, मैं फ्री फायर खेल रहा हूँ, ये खेल रहा हूँ, क्रैश ऑफ क्लैंस खेल रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत दे रहा है, बस टाइम नहीं मिल रहा है और एडिटिंग करना है, इसी चक्कर में बहुत लंबा जा रहा है इसके लिए, वरना मैं कब का पहुँच जाता इसमें। और मेरे पास एक भी स्टार नहीं है अभी ये इसमें, अभी ये जो है ना ये पूरा जो नीचे दिखा रहा है टोटल रेटिंग 4300 तब जाके 1 स्टार आएगा, और ऐसे एक एक 100 100 पॉइंट कंप्लीट करने पर 1 स्टार मिलेगा। मैक्सिमम शायद 17 18 स्टार है ऐसा कुछ देखा देख बंदे को मैंने, 17 18 स्टार, उसके बाद आप रैंक में आएंगे। मेरा रैंक अभी कितना है? टॉप 12.86%। अगर ये ख़त्म होगा तब जाके मैं 1000 से ऊपर आऊँगा, 10000 ऐसे कुछ आएगा, बहुत लंबा रहता रैंक तो दूर की बात है, फिर भी सोच लेंगे। तो चलो बस अपने भाई का जो भी स्टेप्स थे इसको सब फॉलो करके देखिए, बहुत इफेक्टिव है। अपने साथ टीम थोड़ा सही टीम लेके जाना, इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा नए नए बच्चों को ले जाऊँ, कम से कम बंदे आपके डायमंड के ऊपर होंगे तो अच्छे रहेंगे, तो जिसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, लेवल कम से कम 60 के अबव होगा। अगर आप मेरे साथ खेलना चाहते हैं तो खेल सकते हैं, मेरा आईडी ये रहा ऊपर, यहाँ पे आईडी देख सकते हैं मेरा, उसको एंटर करके मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट कर सकते हैं, साथ में खेल सकते हैं। मेरा अभी कितना लेवल है? 64 है, 65 होने वाला हूँ। मुझे एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए, लेकिन मेरा लैक खाता है, बस यही कारण है कि मैं कभी कभी बंदे को टीम मेट को हेल्प नहीं कर सकता हूँ, उसमें मेरी गलती कुछ नहीं है, अभी हैंग मार देता है। फिर अपना बेस्ट में दिखाता हूँ, अभी क्या करें, इसके मैं रिकॉर्डिंग भी करने वाला लाइव स्ट्रीम का, और कभी कभी टेंशन रहता है कि रिकॉर्डर बंद ना हो, जिसके बाबा चेक करता हूँ पर रिकॉर्डर ऑन है कि नहीं है, पता चला कभी भी रिकॉर्डर ऑफ हो जाता है। तो बस स्टेप्स को फॉलो कीजिए, एस में आई है, एस में आना बहुत ईजी है आजकल, क्योंकि जब से स्टार सिस्टम है आजकल पता नहीं सब लोग एस में आ चुके हैं, देखते हैं यहाँ पे आए कि नहीं। ये देखो एस 1 स्टार, एस 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 2 स्टार, 9 स्टार, वाह वाह, पता नहीं कि कुछ ग्लिच चल रहा है फ्रेंडली, इसमें दिखाई नहीं रहा था ज़्यादा। एस यहाँ पे भी 2 3 एस है, गोल्ड कल छोड़ दें। तो बस आप भी आइए एस में, मैं भी आ जाता हूँ एस में, और अगर मेरे स्टेप्स अगर आप एस में आ चुके हैं तो नीचे कमेंट करना कि मैं एस में आ चुका हूँ, आपके स्टेप्स से बहुत खुशी होगी मुझे कि मेरे स्टेप किसी को मदद किया इसमें आने के लिए। तो बस आज के वीडियो बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।